श्री राम कथा का आयोजन किया गया है सालासर धाम में, और ये गौशाला संस्थान सालासर जहाँ पे 1008 कुंडलीय हवन यहाँ पे आरंभ हो चुका है, लगातार चल रहा है, और भारत देश का सबसे बड़ा यज्ञ मैं कहूंगा इसको, क्योंकि अब तक भारत के अंदर ऐसा इतना बड़ा कोई भी यज्ञ नहीं हुआ है जहाँ 1008 कुंडलियों के साथ हवन किया गया हो। हनुमान वाटिका, और आप देख लीजिए कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये गौशाला श्री बालाजी गोवंश संस्थान है सालासर धाम से आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, कितना अच्छा सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा प्रबंध यहाँ पे किया गया है संस्थान द्वारा। आप देख लीजिए सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन है जहाँ पे 108 जोड़ों का सामूहिक विवाह 21 फरवरी 2023 मंगलवार को यहाँ पे होगा। ये धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान है यहाँ पे दानदाताओं के द्वारा, बहुत अच्छी व्यवस्था और एक सफल आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है सालासर धाम से। आप सब कुछ देख रहे हैं, ये इंक्वायरी ऑफिस भी बनाया गया है जहाँ पे आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, यहाँ से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप ले सकते हैं। और ये मुख्य द्वार है जो पूर्ण रूप से लकड़ी का बना हुआ है, बांस के द्वारा निर्मित ये द्वार, कितनी अच्छी बनावट के साथ इसको बनाया गया है, बिल्कुल प्योर देसी, देख लीजिए पूरी तरह से बांस के द्वारा बनाया गया है इस गेट को, देख लीजिए गेट के अंदर जैसे अपन एंट्री करते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप देख लीजिए कितना अच्छा पंडाल सजाया गया है, कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है, जगह जगह सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, जय राम जय राम जय जय राम के स्लोगन लिखे गए हैं, और बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं, देख लीजिए बहुत ही अच्छा हवन यज्ञ यहाँ पे, भारत देश का सबसे बड़ा हवन यज्ञ पवित्र धाम सालासर में किया जा रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा हवन बताया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं पुलिस सहायता के अंदर, ये देख लीजिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा प्रबंध यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे कुछ भगत जन है, हमसे जानना चाहेंगे कि आखिर बल जी क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा सामूहिक ये जो रहे हैं 1008 यज्ञों का एक साथ यहाँ पे, और ये पंडाल बने हुए हैं आपको साइड से दिखाएं, ये सारे आपको प्राचीन जो हमारी सभ्यता थी किस तरह ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उसी परंपरा को जीवित करते हुए ये पंडाल बनाया गया है। यज्ञ परिक्रमा यहाँ पर है
की जा रही है श्रद्धालुओं के द्वारा। और जो आप कैमरे में सामने देख रहे हो हवन कुंड बने हैं थोड़ा नजदीक से, और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हो चल रहा है। आप यजवेदी को देख सकते हो 1008 यजवेदी एक साथ, और ये शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा पूरे देश में एक साथ इतना यज होना। एक सनातन परंपरा का अनूठा उदाहरण पेश किया है, और इस यज में बहुत देश के सभी महान व्यक्तित्व यहाँ आए हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है यहाँ पे, और इस आयोजन में जो पूरे देश के लगभग सभी बड़े संस्थानों से, इसमें पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य और श्री गुरु कृष्ण गीता मनीषी जगत गुरु निम्बकाचार्य जगत गुरु द्रोणाचार्य और निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य साध्वी दीदीमा रितंबरा जी श्री स्वामी चितानंद आप देख रहे हो सभी आचार्य इसमें, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी श्री रवि शंकर जी और यज्ञ सम्राट बालक योगेश्वर दास जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार और श्री कृष्णानंद जी महाराज पूरे ही आप देख सकते हो इसमें। ये यज परिक्रमा कर रहे हैं सभी, अलग अलग जगह से अलग अलग श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं दूर दराज से। ये भाई भी हमारे साथ है महेंद्रगढ़ से चल के आए हैं 200 किलोमीटर। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम ही तो इसका नवीन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार है और इनका नाम अमित कुमार है। यहाँ पे आप क्या किस लिए आए हो? दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने बाबा के दर्शन करने के लिए आए हो सालासर में। तो ये भाई हरियाणा से हैं और यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं, और जो सामने आप कैमरे में तस्वीरें देख रहे हो वो आप सीधा सालासर धाम से देख रहे हो। ये 1008 एक साथ यज्ञ होने का एक अलग ही विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है।